जो देश विरोध में है। लेकिन मुझे जो आपसे सवाल करना है कि ठीक है, राहुल गांधी ने जो सवाल किए वो किए कि लोकतांत्रिक ढांचा देश का नष्ट कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन जो सवाल जो उठा रहे हैं उसमें कितना सच है और वो क्या मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स गिनाने के लिए मैं बैठ जाऊंगी तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मोदी सरकार इस बात की हकीकत से क्यों नहीं रूबरू हो पाती है कि अगर उनकी कोई आलोचना कर रहा है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, तो वो एक आलोचना को आलोचना के तौर पर क्यों नहीं लेते। राहुल गांधी क्या है? केवल एक सदस्य है लोकसभा के, वायनाड के एमपी हैं, ना वो प्रधानमंत्री हैं, ना वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और अगर एक सांसद होने के नाते वो अगर बोल रहे हैं कहीं पर, तो क्या वो इस बात को नहीं बोल सकते? बीजेपी की इतनी बौखलाहट क्यों है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड से, सांसद। हाँ, का जवाब दीजिए ना, आपके पास तथ्यों का जवाब नहीं है। आप ये कहते हैं कि वो एंटी एक्चुअली मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दे सकता ना, मैं अपने हिसाब से जवाब दे सकता हूँ। अपने हिसाब से ही जवाब दीजिए। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड 29 में पैदा हुआ है और आरएसएस 25 में पैदा हुआ है, तो जिस आदमी को भूगोल का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान नहीं, जो कह रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण आरएसएस का जन्म हुआ, उसकी विचारधारा को आगे करने के लिए आरएसएस का जन्म हुआ, 25 में आरएसएस बनता है, 29 के आसपास मुस्लिम ब्रदरहुड बनता है, तो जो आदमी निहायत ही मूर्ख है, मंदबुद्धि और जिसपे इतिहास का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, अनर्गल बोल रहा है, और एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका अच्छा खासा इतिहास है, उसको धब्बा लगा रहा, उसको डेंट कर रहा है, क्यों ना कांग्रेस उस पर कड़वा। लेकिन कांग्रेस कार्रवाई चाह कर भी राहुल गांधी पे नहीं कर सकती। कांग्रेस के बद आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ये अगर कह रही है कि वो एंटी नेशनल है, तो क्या आप एफआईआर कराएंगे? क्या उन पर सेडिशन का केस लगेगा? क्या आपकी पार्टी ये करने वाली है, आपकी सरकार करने वाली है इस चीज? मेरी और आपकी, हम दोनों की सरकार है, मुझे लगता है कि, और मेरे सर बैठे हैं देशपांडे सर, उनकी भी सरकार है, और ये 130 करोड़ जो देश के वासी है सबकी सरकार है, मुझे लगता है इस पर करना चाहिए। लेकिन सरकार करेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब भी ऐसा बोलते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार का ही फायदा कर देते हैं, और मुझे लगता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी सरकार नहीं मारने वाली, लेकिन ये गलत है। मुझे लगता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बिहाइंड द बार उनको जेल में डालना चाहिए, ताकि जांच हो सके कि उनको कहां से पैसे मिल रहे हैं, कैसे पैसे मिल रहे हैं, और पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल। ठीक है, अब मैं विवेक जी के पास आती हूँ कि विवेक, द होल पॉइंट इज राहुल गांधी सच अ बिग डेंजर टू द कंट्री कि अब बीजेपी के पास वो सवालों के जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वो राहुल गांधी को एंटी नेशनल बोले, राहुल गांधी को मंदबुद्धि बोले, जैसा कि अभी श्रीकांत जी ने बोला कि वो मंदबुद्धि है, किरण रिजिजू ने उनको पप्पू दोबारा कह दिया कि वो पप्पू है, जबकि अमित शाह ने हाल में ही संसद के अंदर जब जो उनके जो लीडर ऑफ द हाउस है कांग्रेस में, कांग्रेस के, तो उनको यही बोला था कि देखिए आप एक सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। तो आज वही किरण रिजिजू आज राहुल गांधी को फिर से पप्पू कह देते हैं। ये किस बात का संकेत है? ये किरण रिजिजू का ट्वीट है, क्या इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब एक सीरियस एक्शन लेगी कोई सरकार, या फिर ये बीजेपी की बौखलाहट है? जी विवेक। हाँ नीलू, जो राहुल गांधी ने वहां पर जाकर कहा है, मुझे उसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं लगता है। अगर ऑब्जेक्शनेबल बयानों की बात की जाए तो देखिए, दो बयान तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल, जो जिसको एंटी नेशनल कहा जा सकता है। एक उन्होंने साउथ कोरिया में कहा था, उन्होंने साउथ कोरिया में ये कहा था कि एक समय था, मतलब पिछले 70 सालों में देश के लोगों को शर्म आती थी कि हमारा इस देश में जन्म हुआ है। मतलब कांग्रेस के राज में देश के लोगों को शर्म आती थी, शर्म आने वाली बात थी कि भी इस देश में हम पैदा हुए। ये इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता। दूसरा उनका बयान चीन के आक्रमण के ऊपर था, जो जब उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई आया है न कोई घुसा है, तो ये हमारे आर्म फोर्सेस का इतना बड़ा अपमान था, क्योंकि हमारे जो 20 सैनिक वहां पर शहीद हुए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे देश में कोई आया नहीं
तो हमारे सैनिक हताहत कहाँ हुए, शहीद कहाँ हुए? क्या हमारे सैनिक उनके देश में गए थे, चाइना में गए थे? क्या आप ये इल्जाम हमारे सैनिकों पर लगाना चाहते हैं? इस तरह का अर्थ उससे हम निकाल सकते हैं। और 70 सालों में जो कुछ भी हमारे देश में हुआ उसके चलते हमारे देश के लोगों को शर्म आती थी कि हम इस देश में पैदा हुए, ऐसा कहना ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तो देखिए, अगर गलत बयानबाजी का जहां तक सवाल है तो दोनों तरफ से होती है। तो कोई किसी को एंटी नेशनल, अगर ये राहुल गांधी को एंटी नेशनल कहेंगे तो इनको भी एंटी नेशनल कहा जाने के लिए बहुत सारे बयान है। टोक्यो में भी उन्होंने कुछ कहा था, अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत ही अजीब एक बात कही थी जो आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी देश के प्रमुख ने कहीं भी दूसरे देश में जाकर नहीं कही है, जहां पर उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आप वहां जाकर ये कहते हैं कि हमको रिपब्लिकन पार्टी की सरकार चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। तो ये इस विधान को पप्पू विधान नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, पप्पू कहना और फिर प्रधानमंत्री को फेकू कहना, ये जो पप्पू और फेकू वाली लैंग्वेज है ये एक थर्ड क्लास डिस्कोर्स है। तो ये थर्ड क्लास डिस्कोर्स जो करना चाहते हैं वो करे, लेकिन मैं ये ब्रॉडली ये मानता हूं कि देश में लोकशाही का जो एक दमन हो रहा है उसके ऊपर टिका होना, उसके ऊपर एक मोबिलाइजेशन होना ये बहुत लाजमी है। और उस मोबिलाइजेशन का एक पार्ट ये भी हो सकता है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को मानने वाले जो लोग हैं उनसे मदद ली जाए। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का एक काल मार्क्स ने कहा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो उसका मतलब ये था कि सारे दुनिया में जो वर्कर्स है उनका दमन एक ही जैसे तरीके से सारे विश्व में होता है, उसमें कहीं एक्सेप्ट।